है महंगाई और मणिपुर वाले मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। कि दो बेटियों को कल किस तरह से नंगा घुमाया गया है और उसके बाद भी बीजेपी सरकार किसी भी चीज को संज्ञान में नहीं ले रही, जो करना चाहिए जिस तरीके से उस तरीके से नहीं कर रही है। दो महिला है, हमारी बहन बेटियां हैं, उनके साथ क्या क्रूर हुआ है वहाँ पे मणिपुर के अंदर? 5 मई का वीडियो, 83 दिन से यह सरकार बिल्कुल चुप हो पड़ी है। इस तरह मणिपुर में हमारी माताएं बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है इन वशिष्ठ लोगों के थ्रू पे। ये सारे आरएसएस के लोग हैं। मणिपुर हमारे देश से कट चुका है क्या? क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्यों हमारे माताएं बहनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है? ऐसा तो तालिबान में भी नहीं हो रहा। तालिबान में भी वहाँ की माताओं बहनों को नंगा नहीं घुमाया जाता। जिस दिन शांगोल पकड़े देश के प्रधानमंत्री, इधर महिलाओं को जो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए एफआईआर दर्ज करो और प्रकृति को अरेस्ट करो, इस प्रोटेस्ट में बैठे उस महिला को अरेस्ट किया गया, मारा गया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। तो यूथ कांग्रेस के बाहर की ये तस्वीरें हैं महंगाई को लेकर और मणिपुर को लेकर, जो है आज भारी विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये देखिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और मणिपुर और महंगाई को लेकर सड़कों पर आज उतरे हुए हैं। इसे बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं नफरत के खिलाफ खड़ा है इंडिया, जो अलायंस हुआ है उसका नाम यहाँ पर दिया गया। मैम क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहते हैं कि आज जो देश में हो रहा है, आपने देखा होगा कि दो बेटियों को कल किस तरह से नंगा घुमाया गया है और उसके बाद भी बीजेपी सरकार किसी भी चीज को संज्ञान में नहीं ले रही, जो करना चाहिए जिस तरीके से उस तरीके से नहीं कर रही है। राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, अगर इनसे नहीं संभल रहा है तो वहाँ सरकार नाम जैसी कोई चीज ही नहीं बची है मणिपुर में। अरे भैया, तस्वीर आप देख सकते हैं मणिपुर पर मौन कब टूटेगा मोदी जी। ये जो हमारा प्रदर्शन हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी की बिल्कुल गलत नीतियों और जो देश के अंदर महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है। आप ये लगा लीजिए, दो महिलाएं, हमारी बहन बेटियां हैं, उनके साथ क्या क्रूर हुआ है वहाँ पे मणिपुर के अंदर? 5 मई का वीडियो, 83 दिन से यह सरकार बिल्कुल चुप हो ही पड़ी है, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। स्मृति ईरानी ने बोला तो है कि कार्रवाई, स्मृति ईरानी जी ने मात्र एक लिपा पोती करी है जिस वीडियो, 5 मई का जबकि वीडियो है। ये महिला बाल विकास मंत्री होते क्या उनका दायित्व नहीं बनता था जाके उन महिलाओं से मिले, उनकी जानकारी निकाले, महिला है कहाँ? ये खाली यहाँ पे बैठ कर अशोक होटल के अंदर बैठ के, इन लोगों को पार्टी चलती है, मीटिंगें होती हैं, उसी के अंदर बैठ के डिसाइड कर लेते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इससे ज़्यादा इन लोगों को कुछ नहीं बोलना है। जब 400 कुछ रुपए का सिलेंडर हुआ था, स्मृति जी ने चूड़ियाँ भेंट करी थी, आज 1100 का हो चुका है, क्यों कहाँ स्मृति ईरानी जी? आज टमाटर को देख लो, ये तो मोटी चीज़ है, आप जीरे को देख लो, लहसुन का भाव देख लो क्या हो चुका है, दूध देख लो, रिफाइंड देख लो। आज जनता जो जमीन पर है परेशान हो चुकी है इनकी कुरीतियों से, देश के अंदर जनता बिल्कुल परेशान है। आज के टाइम में लोग बाग खाने के लिए या तो दो कमा ले या खा ले, यही काम हो रहा है। 5 जने कमा रहे तब 3 खा रहे, यह हालत हो चुकी है। बेरोजगारी इस हालत तक बढ़ चुकी है कि देश के अंदर रोजगार मांगने जाओगे तो दिहाड़ी पे रखेंगे और दिहाड़ी भी कितनी होगी उनके मन मुताबिक। और इस पर मोदी जी एक मुंह पे चुप्पी राह छाते रहते हैं, बोलना उनको कहाँ आता है, अकेले मीडिया के आगे या अशोक होटल के अंदर? आज तक अशोक होटल के अंदर ही परसों लंच और डिनर प्रोग्राम नहीं हुआ कि 38 लोगों को बुला के इतना बड़ा प्रोग्राम करा अशोक? हमारा इंडिया के लिए था, हमारा लंच और डिनर नहीं था, हमारा भारत देश के लिए था, हमारा जो संगठन का नाम है इंडिया के लोगों के लिए था, जमीन से लोगों के जुड़े हुए किसानों का था, बेरोजगारों के लिए था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, महंगाई के खिलाफ था। जो आज आप जो दूर का जाते मध्य प्रदेश के अंदर देखिए ना, नग्न अवस्था में जो पुरुष भागते फिर रहे हैं, किस लिए भाग रहे हो? अपनी परेशानियों को बताने के लिए, जब कोई सुन नहीं रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं। और जो है ना, ये अंधी बहरी गुंगी सरकार है, किस तरह मणिपुर में हमारी माताएं बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है इन फासिस्ट लोगों के तुस पे। ये सारे आरएसएस के लोग हैं, वहाँ की विचारधारा है, जो हमारी माताओं बहनों के साथ कल जो ट्वीट हुआ था और वो लगातार हुआ है, जो खबर दिखा रहा है उसके खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं, और जो खबर जो अत्याचार कर रहा है अत्याचारों को संरक्षण मिल रहा है, ये भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। आज ये मैं बता रहा हूँ, मणिपुर हमारे देश से कट चुका है क्या? क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्यों हमारे माता बहनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है? ऐसा तो तालिबान में भी नहीं हो रहा। तालिबान में भी वहाँ की माताओं बहनों को नंगा नहीं घुमाया जाता। वे जो माताएं बहनें नंगी घुमाई जा रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वे किस देश की हैं, किस राज्य के? मुख्यमंत्री वहाँ का कहता है ये तो एक घटना है, ऐसी तो पता नहीं कितनी घटनाएं। इसका मतलब मणिपुर में लगातार 3 महीने से माताओं बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार होने लग रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 8 मिनट बोलते हैं, 8 मिनट में 36 सेकंड मणिपुर के बारे में बोलते हैं, और
उससे ज्यादा वक्त वो देते हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान की पॉलिटिक्स में। आज क्या राजनीति उन मणिपुर की महिलाओं से भी ऊपर हो चुकी है क्या? प्रधानमंत्री को अपना शर्म से सिर झुका लेना चाहिए और इस्तीफा लेना चाहिए तुरंत मुख्यमंत्री का, और खुद भी इस्तीफा दे के अपने गृह मंत्री का लेना चाहिए। ईरानी ने ट्वीट किया है रात, और इस घटना को लेकर क्या कार्रवाई होगी? मैं कह रहा हूँ आप इस दृश्य को देखियो, जब हमने दृश्य देखा माता बहन को नंगा घुमाया जा रहा है, रूह कांप गई है, तो इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। कोई केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ हुआ था, कुछ केंद्रीय मंत्री के साथ हुआ होता तो उसके लिए क्या माफी होती है, गिरफ्तारी? मैं कह रहा हूँ ये अपराध तो फांसी से भी बड़ा है, तुरंत मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। मुख्यमंत्री वो नाकाम है महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, वहाँ पे उसको इस्तीफा होना चाहिए, तुरंत राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तुरंत वहाँ पे शांति बहाल होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ महिलाओं के साथ इससे बड़ा दुराचार होना चाहिए, शायद हिंदुस्तान क्या बाहर विदेश में भी किसी भी देश में किसी मुस्लिम कंट्री में भी ऐसा दुराचार नहीं होता होगा। मैं कह रहा हूँ हमारे देश में हमारी माता और बहनों को नंगा घुमाया जाता है, तो प्रधानमंत्री को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए और इस्तीफा लेना चाहिए मुख्यमंत्री का तुरंत। जी जो लोग ये कर रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे देख लीजिए जिस लड़की को पटवारी में दूसरा स्थान मिला उसे ये तक नहीं मालूम कि मेरे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। आप देख लीजिए क्या हालत हो चुकी है, कैसे हुआ ये सब कुछ? ये मामा का राज है, नोगरे बिग्गी मामा तेरे राज में, मामा आता है घर पे सावन की कोठली देने के लिए, ये तो मामा जाने का नाम ही नहीं ले रहा, जबरदस्ती चुपके बैठ गया भांजों के साथ में, ये कौन सी बात हो? ये बता सावन आ गया, अब जाने का टाइम आ गया मामा का। ये सरकार मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, महिलाओं पे जो आघात हो रहा, महिला सुरक्षा को लेके केंद्र की सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है, उसको लेके युवा कांग्रेस के साथी जो संसद शुरू हुई, संसद जो बैरी गुंगी सरकार है उसको ये सुनाना चाहते हैं कि लोग सड़कों पे और मणिपुर का कोई ना कोई रास्ता सरकार निकाले। अरे इंडिया को लेकर जो आपका गठबंधन है, अलायंस है, उसको लेकर ही कहा जा रहा है कि इंडिया कैसे नाम, इंडिया स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, जिस तरह के नाम मोदी जी दे रहे थे, इंडिया इंडियन डेवलपमेंटल जो प्रोग्रेसिव नाम दिया है हमारे जो संगठन बना है इंडिया का, बहुत ही ये जो फर्जी राष्ट्रवाद जो अपना रहे थे इनको गहरा आघात लगा और इनको ये लगा कि इंडिया नाम से आने वाले समय में जो राष्ट्रवाद का चोला इन्होंने ओढ़ रखा वो जनता उखाड़ फेंकी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जो है महंगाई और मणिपुर वाले मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, दूसरी तरफ प्रशासन के लोग हैं और ये बैरिकेडिंग पूरी तरीके से लगा दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यूथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर की, ये तस्वीरें हैं जिसमें आप साफ देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है देखिए भारी मात्रा में यहाँ पर जो है कार्यकर्ता कांग्रेस के यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए आज देश के भारतीय जनता पार्टी को 303 पार्लियामेंटेरियन को must have to be a shame because आप थोड़ी भी उस मणिपुर के वासियों के ऊपर चिंता नहीं, जैसे रिसेंटली आप देखा गया है, मणिपुर तो अलग चीज है, आज जो दो महीने तक इस जंतर मंतर के अंदर भारत के रेसलर्स एंड मेडल विनर्स भी यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट केस में, ब्रिजभूषण के केस में दो महीने तक इस जंतर मंतर पर बैठी हुई थी, महिला पुरुष बजरंग पुनिया और फुगड़ साक्षी एंड सो मेनी मेडल विनर्स, 7 मेडल विनर्स यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन उसी के ऊपर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। जिस दिन विस्टा प्लाजा का इनॉग्रेशन था, जिस दिन शांगोल पकड़े देश के प्रधानमंत्री, इधर महिलाओं को जो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए FIR दर्ज करो और ब्रजभूषण को अरेस्ट करो, इस प्रोटेस्ट में बैठे उस महिला को अरेस्ट किया गया, मारा गया, उनके हाथ में भारतीय भारत देश का तिरंगा था, इस तिरंगे को भी नीचे गिराया गया, इतनी उनकी इज्जत लूटी गई। सो इसी हिसाब से मणिपुर का जो इंसिडेंट हुआ, दो महीने से जो मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, महिलाएं मर रहे हैं, सारा मणिपुर आग में बसा हुआ है, फिर भी इतना सीरियस इट इज गोइंग ऑन, फिर भी देश के प्रधानमंत्री एक बार भी उस मणिपुर के इलाके में या मणिपुर के जनता के पास गए नहीं, और डबल इंजन की सरकार मस्ट हैव टू बी रिजाइन इस इंसिडेंट के ऊपर, जब नॉट टेकिंग एनी एक्शन, नॉट टेकिंग एनी केयर, नॉट टेकिंग एनी प्रिकॉशनरी मेजर्स, तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री प्लस मणिपुर के मुख्यमंत्री दे हैव टू रिजाइन फॉर देयर ड्यूटीज। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।